बेहतरीन गल कैसा गला। लोगों ने लिखा है कि ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके एक गले में कई बाजे फिट गए, कई बाजे और कई मजामीन मिलकर उनकी आवाज का हुस्न और जाजीले पैदा किया। लेकिन उसके साथ साथ आवाज के साथ साथ फिर लहजा, हजरत दाऊद अलैहि सलाम अस्सलाम, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के बमूजब ज़बूर को 70 लहजों में 70 इतने लहजों में ज़बूर की तिलावत फरमाया। और जब चाहते तो ऐसी तिलावत फरमाते, ऐसे राग और ऐसे लहजे हुआ करते थे कि जब वो चाहते तो पहाड़ को भी बुला दिया, पहाड़ों से रोने की आवाज आ रही, जमादार नवादार इंसान क्या पहाड़ क्या हर एक से रोने की आवाज आ रही, जब चाहते थे लोगों को बुला दिया। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाके देखा कि अरब का जो तबका गाने बजाने का लहजों का अच्छी आवाज का दिलदारा, बहुत बड़े बड़े लोग अरब के अपने यहाँ गाने वालियों को बावजीफा रखा करते हैं तनख्वाह के साथ। सरकार द्वारा सल्लल्लाहु और आपको उम्मत की इस बदहाली को घम आता है, तरस आता है, कहा कि ये शौक फिर ऐसी बात सलाहे ऐसी सलाहियतों के हामिल दो, ये अपनी सलाहियतों को न सिर्फ जाया कर रहे हैं, कुदरत ने इन्हें बहुत पाकीज़ा फितरत के साथ इस दुनिया में भेजा, लेकिन इन्होंने लहजों के शौक में मुगनिया के शौक में अपनी पाकीज़ा फितरतों को गंदा कर रखा, कहीं शराब की परवरिश लगी हुई है और एक मुगनिया आया, कोई मुगनिया आया गायक कराता वो आया और उसके शानदार अंदाज में कुछ इश्की आशार बढ़े, लोग शराब पी लें कि वैसे ही मस्ती नहीं थी उनकी मस्ती हुआ हो जाए, खुशी के मौका क्यों, गम के मौका क्यों, उनके यहाँ सिवाय गाने बजाने के कुछ नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाते आपने देखा कि इतनी प्यारी उम्मत है, ऐसे जौहर इनके पास हैं कि अगर वो अपने इस जौहर को जरा से सही राह पर इस्तेमाल करे तो वो बिजली की तरह इतनी तेज रफ्तारी के साथ कोटे खुदावंदी के मनाजिर कर सकते हैं। ये कहाँ अपनी फिक्र को नापाक कर रहे हैं, गंदी कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से बड़ी मशक्कत से बड़ी जो है वो बड़े खुशनसूबी के साथ उम्मत को उस राह से हटा कर कुरान करीम की राह में और कहा कि तुम्हारे जितने गानों के शौक थे अल्लाह के कलाम को इतने अच्छे अंदाज में पढ़ा कीजिए, देखिए कि तुम्हारी तबीयत की सही नहीं हो जाए, तुम्हारी फितरत पर तस्कीन भी होगी और उसके साथ साथ कुरान के मज़ामीन की पाकीज़गी तुम्हारे रूहानियत को कितनी तरक्की बख्शेगी। ये बात समझने वाली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से इस उम्मत को कुरान करीम के अच्छे अंदाज में पढ़ने की राह दिखाई, कहा कि मौका नहीं है तफसील का, लेकिन उम्मत ने इसको अपनाया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बार बार दरख्वास्त फरमाते, ज़िक्रना रब्बना या अबा मूसा, ऐ अबू मूसा तुम हमें अपने रब की याद दिला, हमें अल्लाह की याद में इस वक्त रोने का शौक है, कुछ आंखों से आंसू आ जाए अल्लाह की याद में बैठ जाए। तो हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिल सोज अंदाज में कुरान करीम की तिलावत करते, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा आपने देखा कि
इनकी तिलावत और उसके बाद किसी के लिए सोना, ये कहां मुमकिन? कहीं इनकी वजह से लोगों की इज्जत हो गई? इन्होंने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के यहां जाकर शिकायत की कि आप इनको ना रात की तन्हाई में इस तरह तिलावत करते सुना मुश्किल हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की ये देखते हैं। फिर रात हुई, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अपनी आदत के मुताबिक मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर तिलावत फरमा रहे, लेकिन उनकी तिलावत ने उमर फारूक का हाल बदल दिया, उनकी दुनिया, दिल की दुनिया बदल दी। वो अपने आप को रोक नहीं पाए, वो ऐसे बेखुद हो गए, सारो पता रोने लगे। उनको उनकी तिलावत इतनी भाई और ये सोचा कि जहां अल्लाह का कलाम इतने उमदा अंदाज में तिलावत किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। सुबह मजलिस हुई, जब उमर फारूक के यहाँ बड़ी तादाद में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम तशरीफ फरमाए और आपने फरमाया, मन इस्तता मिनकुम अन यतगन्ना बिना अबी मूसा फलयफअल, का तुम में से जिससे बन पड़े हजरत अबू मूसा के अंदाज में, उनके लहजों में, उनके मकामात में कुरान करीम की तिलावत जो भी कर सकता, उनके लहजों की नकाली। मुझे इस वक्त कभी गुफ्तगू नहीं करनी है, हम शेख के मकामात के बारे में थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। भाइयों, ये मकामात, ये लहजे सच ये हैं। हम शेख अब्दुल नासिर दावत बरकातहु की खिदमत में और उनको एक दरख्वास्त हम ये भी करेंगे, वो मिस्र में जाकर अपने मिस्र के जो बड़े बड़े कोरोना हैं उनको हमारा पैगाम पहुंचाएं कि हम सबकी पेशानी में घुसा लेते हैं मिस्र की दुनिया में। भाइयों, अजनबी कहां ये लहजे जानता है? मिस्र के लोगों ने सारी दुनिया को कुरान करीम के बेहतरीन लहजों इनसे हम तक आए। हमारे आगा, हम इस वक्त तफसील में नहीं जा रहे, वरना हमारे आगा ने इनके अकाबिर से बरसों इस्तेफादा किया लहजों में और हिंदुस्तान तशरीफ लाए और बड़ी मेहनत से अपनी पूरी जिंदगी वक्त करके उन्होंने ये लहजे हमें आपको दिए। हम अपने अकाबिर के लिए भी जो इनको सलाम पेश करते हैं और इनके आगा के लिए भी सलाम पेश करते हैं कि हमारा पैगाम पहुंचा है। सच ये है कि हम इनके दर की गुलामी को अपने लिए साजा समझते हैं। अल्लाह गवाह, मुझे अल्लाह नासिर ये कहते हैं कि आप सिर्फ मेरी ड्यूटी ठीक करते हैं, मैं आपको लहजे सिखाऊंगा। अल्लाह अकबर, आइयो क्या क्या वाकया है। जब अल्लाह पे बंदा किसी सज्दे पर नमाज दुनिया बदल गई, इनकी दुनिया बदल गई, दिल की तरफ जाता है और जी जानता है कि ये पढ़ते रहे ऐसा मौका कहीं कहां में ऐसा। भाइयों, ये कुछ लोगों की किस्मत का आया था, हम इनका शुक्र अदा करते हैं, ये तशरीफ लाए और इन्होंने हमें ये मौका पे फराहम किया। अल्लाह ताला इनके उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, इनके साए को एक कायम फरमाए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान तशरीफ लाए बार बार, हम उनसे इस्तेफादा करें। हमारी ये जमान, आप देखिए अभी शेख हमसे कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके मादिन में, हमारे आपकी कानों में बेहतरीन हीरा बनने वाले पत्थर मौजूद हैं, हमारे कानों में मौजूद। अफसोस की बात है कि अहले मादिन को, कानों के मालिक औलाद को ये मालूम नहीं है कि उनके कानों में कैसे कैसे हीरा बनने वाले पत्थरों की कीमत नहीं मालूम। हम तो चाहते हैं कि हमारे ऐसे जवान इनके सोबत इख्तियार करें, हमारी ये जवान इनके सोबत इख्तियार करें और लहजों के बाप की जो वाली के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें आए। देखिए, अल्लाह का शुक्र है भाइयों कि हमारी अपनी तबीयत ये है कि अगर बहुत अच्छे खाने पर दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर किसी ने मिस्र के बहुत अच्छे खाने का कैसेट लगा दिया, हम खाते रहेंगे, लेकिन खुदा गवाह है अगर आप हमें खाने के बाद ये पूछें कि क्या खाया, कैसा खाना था, हम नहीं कह पाएंगे। मैं मतलब किसी मजलिस में कह रहा था कि कभी कभी तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त करते हैं कि एजाज इस दुनिया में तुम्हें तेरे कलाम
कभी भी मुशाहिद से भी मुशाहा सुनने का मौका मिलता है, उस जर से एक कर्म के और भी मांगते हैं कि अल्लाह तू मेरी कब्र में भी इसका इंतजाम कर। अल्लाह ताला इनको जजाए खैर अता फरमाए। बड़ा कर मेरे पास हम भी कर गया हूँ शेख के उनको चाह रहे हैं और ये हम भी सब कर सकते हैं। भैया मुझे मुझे फ्रांस के डॉक्टर कमीनुल्ला का एक वाकया याद आ रहा है। डॉक्टर कमीनुल्ला साहब फ्रांस में बहुत बड़े दर्जे के अल्लाह के वली गुजरे हैं। बहुत लोगों ने उन्होंने उनसे सुलूक की इस्तेमाल किया, तसव्वुफ की इस्तेमाल किया, लोगों ने अपने अपने कुलूब के हर कुलूब की सोहबत में रहकर बरकत पाई। कितने कुलूब को उनकी सोहबत से सफाई नसीब की। ऐसे डॉक्टर कमीनुल्ला अपना एक वाकया बयान करना है कि मेरे यहाँ एवरेज ये था कि फ्रांस में रोजाना एक दो शख्स आकर मेरे यहाँ दाखिल इस्लाम हुआ था। ये एवरेज था उनकी उम्र का जब उन्हें एवरेज निकाला। फरमाया कि एक मतलब का वाकया है कि एक शख्स आया और उसने दाखिल इस्लाम होने की उससे दरखास्त की, पूरे कलमा पढ़ाया। ठीक है कलमा पढ़ा देते, लेकिन उसके बाद हमने अपने आदत के मुताबिक उनसे पूछा कि क्या बात है दाखिल इस्लाम होने का दायरा आप कैसे कर रहे हो, ये ख्याल आपके दिल में कैसे आया। तो उसने कहा कि बात असल ये है कि यहाँ फ्रांस में सऊदी की एम्बेसी, उस एम्बेसी के लोगों ने एक दावत का एग्जाम कर रखा, उस दावत में हम भी मौजूद थे। कहा हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, मजलिस लगी हुई थी। जब हम पहुंचे तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी, और कोई गवैया था जिसका गाना उसमें चला। कितने उमदा अंदाज का गाना हुआ था। मैंने थोड़ी देर सुना और उसके बाद खड़ा हुआ पूछा कि ये कौन कौन गवैया है, क्या गा रहा है। लोगों ने मुझे इशारे से कहा बैठ जा बैठ। थोड़ी देर हुई फिर मेरा सब उसका पैमाना उसके गानों की इफ़ाक और उसके लहजों के कमाल की वजह से फिर मेरा 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 सब उसका पैमाना जो लबरेज हो गया। मुझे मुझे जो है वो तजस्सुर का मिल। तो कहा मैंने उससे पूछा कि मेरा कुछ तो रूप कौन काफ़ी दिखा दिया था बैठ। फिर आखिर हम बैठे रहे कि रात खत्म हो रही हो खाना खत्म हो रहा था। तो लोगों ने कहा कि अच्छा क्या पूछ रहे हैं। कहा हम ये पूछ रहे थे कि कौन गौरैया है, ये क्या गाना गा रहा है। कहा भाई ये गौरैया नहीं है, ये मिस्र का काली मिस्र का काली वो अल्लाह का बंदे ये कह रहा था कि फ्रांस की दुनिया में मुझसे बड़ा गौरैया अब तक कोई पैदा नहीं हुआ और मैं लहजों का मुजीद हूँ। फ्रांस के बड़े बड़े गवैये लहजों के बाद में मेरी शागिर्दी रखते हैं। देखिए ये अल्लाह का बंदा जो गाना गा रहा था उसके लहजों में इतनी नजाकतें इतनी नफासतें ऐसी बारीकियां ऐसे कमाला थे कि मैंने ये समझा हदीस का यकीन हुआ कि गानों की दुनिया में कोई शख्स लहजों की मकामात तक नहीं पहुंचा। मैंने सुना कि फिर समझाया कि ये मिस्र के काली हैं और ये पुराने करीम तिलावत कर रहे थे। पहले तो ये तो मेरा दिल था मैदान का ये मेरा जोर था। तो मुझे ये शौक हुआ कि जब मैं अपने फील्ड में इतना जबरदस्त इम्तियाज हासिल किया, जात नाम था उसका, उस गवैये का नाम जात था। तो कहा कि मुझे ये शौक हुआ कि ऐसा क्यों हो कि मैं अपना मैदान बदल कर वो जो कानून की दुनिया ने सोच होती इसमिया हूँ तो मेरा मेरा फिल्म और तरक्की करेगा। का इस नीयत से मैं वो दाखिल इस्लाम कर। वाकया तो अभी लंबा है और उसके बाद एक अजीब से डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने वो एक उर्दू फरमा रहे हैं, उनके एक शागिर्द हैं डॉक्टर महमूद, वो उन्होंने इसको लिखा था। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि वो गवैया दाखिल इस्लाम होने की का जो सबब था उसको कहते कहते लहजों की कुछ वो इस्तेलाहात इस्तेमाल कर रहा था जिसको हम समझने से कासिर था। हम नहीं समझ पाते वो क्या इस्तेलाहात कर रहा था। वो बड़े दर्जे का गौरिया हजारों मिसालें हैं कि हम आप तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के दिलदादा हैं, हम उसके आशिक हैं, अल्लाह का कलाम
लेकिन एक वो शख्स जो न कुरान जानता है न कुरान के अस्मा से किसी तरह को से काफी किए हैं, लेकिन वो भी जो अल्लाह के कलाम को सुनता है तो अपने आप को संभाल ही पाता है। शुक्र अदा करते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो लहजे मानी ऐसे जबरदस्त मुताबकत रखते हैं। आज हमने शेख से दरखास्त को अर्ज किया कि शेख कोई कुरान करीम के मानी बयान करता है तो अल्लाह की मुराद समझ में आती है, लेकिन आपके लहजे मुराद बोल रहे थे। हम अजमेर को चाहिए कि ऐसे लोगों का कुछ शौक रखें। अल्लाह का शुक्र अदा करें इस मजमे के तमाम शुरफा को उनकी किस्मत पर मैं दिल से तमाम तर एक की तमाम तर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इस मौके को गनीमत समझा, आपने इसकी कदर पहचानी और आप मुख्तलिफ जगहों से बहुत शौक